निकिता वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल योर पीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सिकोलॉजी रिसर्च की तरफ से आउट हुई वैकेंसीज के बारे में। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ITI पास करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, इंजीनियरिंग साइंस डोमेन से होते हैं एंड वैकेंसीज़ के लिए चेकआउट कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट पोस्ट आए एंड उसके लिए वो अप्लाई कर सकें। सो यहाँ पर CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सिकोलॉजी रिसर्च की तरफ से टेक्नीशियन की एंड टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज़ को आउट किया गया है। गवर्नमेंट जॉब है, फ्रेशर्स हैं, कर सकते हैं अप्लाई, एक्सपीरियंस्ड हैं, कर सकते हैं अप्लाई। और ये वैकेंसीज आउट हुई हैं, ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ITI पास कैंडिडेट्स के लिए, डिग्री या की हुई है आपने इंजीनियरिंग डोमेन से या फिर साइंस डोमेन से, कर सकते हैं आप अप्लाई इस पोजीशन के लिए। तो बात करेंगे कंप्लीट नोटिफिकेशन की, कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं यहाँ पर, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन एक पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड है उसके बारे में। अगर आप ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं या फिर डिप्लोमा ही कर रहे हैं, आपने कंप्लीट नहीं किया है, फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप इन पर्टिकुलर डोमेन से हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि किस टाइप की वैकेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस में आउट होती हैं जिसके लिए आप इन फ्यूचर अप्लाई कर सकते हैं। जो एलिजिबल होंगे कैंडिडेट्स डेफिनेटली वो तो अप्लाई करेंगे ही। इंजीनियरिंग या साइंस डोमेन से आप हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन यस, अगर ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को, बिकॉज आपके लिए हम डिफरेंट वैकेंसीज हैं उन्हें लेकर आएंगे, वहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। तो वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल योर पीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन को। टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक्स हैं वो प्रोवाइडेड है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हम वहाँ पर भी शेयर करते हैं कैंडिडेट्स के साथ। आपको गाइडेंस चाहिए रिटन एग्जाम्स के लिए या फिर गाइडेंस चाहिए इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करने के लिए, योरपीडिया बेस्ट प्लेटफॉर्म है टू प्रिपेयर फॉर रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू, यू कैन प्रिपेयर विद अस। करियर गाइडेंस चाहिए कि यस मैम, मैंने MBA किया है, BSc की है, डिप्लोमा किया है, ITI किया है, मेरे लिए कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जो कि ओपन है, उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरी फॉर्म्स हैं, नंबर हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हैं। जो भी कैंडिडेट्स फील करते हैं कि नहीं, मुझे मैम से बात करनी है या मुझे पता करना है कि मैं किस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं, इंक्वायरी फॉर्म भी फिल होते हैं एंड यस, कॉन्टैक्ट भी किया जाता है व्हाट्सएप पर या फिर डायरेक्टली कॉल्स के थ्रू कर सकते हैं आप हमें कॉन्टैक्ट। तो चलिए बात करते हैं आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, जो कि आउट की गई हैं। हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही यहाँ पर शेयर की जाएंगी कैंडिडेट्स के साथ। यहाँ पर CSIR की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सिकोलॉजी रिसर्च की तरफ से ये लखनऊ में वैकेंसीज आउट की गई हैं। यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियंस की वैकेंसीज हैं, ऑल इंडिया एप्लीकेशंस यहाँ रहेंगी, रिजर्व कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं डेफिनेटली आपको रिलैक्सेशंस प्रोवाइड की जाएंगी इन वैकेंसीज के लिए। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर 19 वैकेंसीज हैं जो कि आउट की गई हैं, 34,000 प्लस से लेकर 63,000 प्लस तक का जो सैलरी पैकेज है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा कैंडिडेट्स को। 19 वैकेंसीज टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ वैकेंसीज आ चुकी हैं, अपर एज लिमिट यहाँ पर 28 ईयर्स रहेगी, लेकिन रिजर्व कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं एज रिलैक्सेशन डेफिनेटली मिलेगी। अब यहाँ पर चेक करते जाइएगा अपनी क्वालिफिकेशन। अब देखिए, जब भी यहाँ पर चीज़ें मेंशन होती है ना, कि अगर यहाँ पे कुछ भी एक्सपीरियंस का नहीं मेंशन हुआ तो फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज हैं, ठीक है, एंड 60% मार्क्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो समझ लीजिए कि 60% ही रिक्वायर्ड रहेंगे, 59% नहीं चल सकते हैं आपके। गवर्नमेंट जॉब्स में यही होते हैं, जब भी पोजिशन आउट होती हैं। अब BSc इन केमिकल साइंसेज की हुई है या फिर केमिस्ट्री से की हुई है, कर सकते हैं आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई। यहाँ पे डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, डिप्लोमा के साथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ रिक्वायर्ड होगा। जहाँ डिप्लोमा मेंशन किया गया है वहाँ पर डिप्लोमा ही रिक्वायर्ड रहेगा, बिकॉज कुछ वैकेंसीज देखिए डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी आउट होती हैं, वहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन की है वहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की ग्रेजुएट्स जो हैं उनके लिए और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए, दोनों के लिए ही आउट की गई है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि डिप्लोमा वालों को लगे हमारे लिए वैकेंसीज नहीं है, या ग्रेजुएशन जिन्होंने की उनको लगे कि डिप्लोमा वाले भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके का क्राइटेरिया देखिए फॉलो किया गया है। अब है टेक्नीशियन की वैकेंसीज, यहाँ पर 10th क्लास और आपका ITI रिक्वायर्ड रहेगा। अगर आपने पास आउट किया है देन आप ये टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज हैं इनके लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड हैं तो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, फ्रेशर्स हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एक्सपीरियंस मेंशन ही नहीं किया हुआ देखिए यहाँ पर। तो इस तरीके से वैकेंसीज को यहाँ पर टोटली आउट किया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई गई है, 28 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर रहेंगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस का यहाँ पर रहेगा क्राइटेरिया, देखिए यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है,
सिर्फ रिटर्न टेस्ट होगा और रिटर्न एग्जाम के बिहाफ पर सिलेक्शन होगा, लेकिन रिटर्न टेस्ट से पहले, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पहले स्किल टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा। जो भी स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट को पास करेंगे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पर जाएंगे। 3 लेयर्स ऑफ एग्जामिनेशन है। जो भी कैंडिडेट्स सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर क्वालिफाई करेंगे उसके बिहाफ पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर निकाली जाएंगी। 3 पेपर्स हैं, क्राइटेरिया टोटली आपके सामने हैं। इस तरीके से ही ये फॉलो किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट रहेगा, उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट होगा। ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की टाइमिंग्स दी हुई हैं। जो ये वाला सिलेबस है ये टेक्नीशियंस के लिए बताया गया, सेम ही फॉर्मेट है। तो अगर आप देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन की पोजीशन के लिए सेम फॉर्मेट, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, सब सेम है कि जो भी हाउस अलाउंस है या फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो सब यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है गवर्नमेंट पोस्ट के लिए। अब कब तक अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर 31 मार्च लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं 31 मार्च तक। एप्लीकेशन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप अप्लाई कर सकें पोजीशंस के लिए। ऑनलाइन ही यहाँ पर अप्लाई करना होगा। जनरल कंडीशंस है वो यहाँ पर मैंशन की गई नहीं है। जो भी यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी क्वालिफिकेशन को लेकर, एज को लेकर, वो 31 मार्च ही यहाँ पर कंसिडर की जाएंगी। यहाँ पर एडमिट कार्ड्स हैं वो इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। अप्लाई करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट को बार बार चेक करते रहिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी मैं। ये एज रिलैक्सेशंस हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। 1 मार्च से 31 मार्च तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस हैं। जब भी कैंडिडेट्स अप्लाई करें केयरफुली अप्लाई करें, सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करें, ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करें। यहाँ पर एप्लीकेशन लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। योर पीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म पर जितने भी वैकेंसीज हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करती हूँ एप्लीकेशन लिंक, एंड डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करती हूँ एप्लीकेशन लिंक, वो सब प्रॉपर ऑथेंटिक्स होती हैं। बिकॉज यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट्स को हम चेक करके ही प्रोवाइड करते हैं आपको। तो एप्लीकेशन लिंक को गो थ्रू कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट को गो थ्रू कर सकते हैं, एंड अप्लाई कर सकते हैं पोजीशंस के लिए। फुल नोटिफिकेशन है जिसे हमने गो थ्रू किया है, सभी लिंक्स है वो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन। एंड यस, इंटरव्यूज के लिए, रिटर्न एग्जाम के लिए या फिर करियर गाइडेंस के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन को। थैंक यू।